ये वृंदावन के कृष्ण ऐसे खड़े होते हैं, क्योंकि द्वारका के कृष्ण तो हस्बैंड है, हस्बैंड सीधा खड़ा होता है ना, हस्बैंड को टेढ़ा मेढ़ा अगर देख लिया ना पत्नी ने सीधा कर देगी उसको, राइट। तो इसलिए हस्बैंड तो सीधा ही खड़ा होता है, तो द्वारकाधीश ऐसे खड़े होंगे, ऐसे खड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसे तो वृंदावन के कृष्ण ही खड़े होते हैं। सभी का बहुत है कि एक और नए ब्लॉग में, और आज है राधा अष्टमी, जन्माष्टमी की ठीक 15 दिन के बाद आती है, मतलब 15 दिन के बाद राधा जी का जन्म होता है। जन्म नहीं कहेंगे उसे, प्राकट्य दिवस, क्योंकि भगवान हमेशा जो है प्रकट होते हैं, तो राधा रानी आज के दिन प्रकट हुई थी, जन्मी नहीं थी, तो इसलिए हम कहते हैं इसे प्राकट्य दिवस। तो आज है राधा अष्टमी और आज हम लोग अपने स्कॉन के मंदिर में फिर से जा रहे हैं, जो कि सेक्टर 13 में है स्कॉन द्वारका, और वहाँ जाने के बाद आज कुछ सेवाएं भी हैं जो कि करनी है, क्योंकि भक्त जब बहुत सारे आते हैं तो हम सबका काम है कि वहाँ मंदिर के जो दृढ़ वाले भक्त हैं वो वहाँ पे सब सेवा करने के लिए जाते हैं। तो आज मेरे को भी वहीं पे जाना है, और आज वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, 6 बजे शुरू होने वाला है सब कुछ, अभिषेक होगा भगवान का, और अभिषेक होगा वहाँ पे, गोपी ड्रेस की कॉम्पिटिशन्स हैं वहाँ पे, कुछ क्विज कॉम्पिटिशन्स हैं, डांस है वहाँ पे, सब कुछ आज होने वाला है, प्रसाद है बहुत बेहतरीन, तो ये सब कुछ होगा आज, बहुत इन्जॉयमेंट होने वाला है यार, डांस कीर्तन सब कुछ होने वाला है। तो इसीलिए मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ आज कुछ हैपनिंग हो रहा है, इसलिए आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही खुशी का दिन है हम सभी भक्तों के लिए, क्योंकि जो भगवान तक पहुँचने का जो सबसे सुगम रास्ता भगवान बताते हैं वो है श्री राधा रानी, जो हमारे गुरुदेव लोग बताते हैं वो है श्री राधा रानी की कृपा से ही भगवान कृष्ण की आपको प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसा बताते हैं क्योंकि भगवान को राधा रानी बहुत प्रिय हैं, तो राधा रानी अगर आपकी थोड़ी सी सिफारिश कर देंगी तो भगवान आपके लिए भी कुछ सिफारिश तो मानी जाएंगे, राधा रानी की सिफारिश तो मानी जाएंगे, तो इसलिए राधा रानी जी से सब भक्तों का बहुत ज़्यादा प्रेम है। तो आज चलते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं किस तरीके से आज हम गाड़ी से जाने वाले हैं, क्योंकि आज 2-4 लोग और जब हमारे साथ जाएंगे, मम्मी बहन सब लोग जाएंगे यहाँ से, और आज मज़ा आएगा जाएंगे जब, तो मैं अभी आपको लेकर के चलता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, तो चलिए चलते हैं। हाँ, चलने से पहले अपने ड्रेस में तो आना ही पड़ेगा, और आपको मैंने पहले बताया है कि लड़कियों को तैयार होने में 1 घंटा लगता है, लड़कों को तैयार होने में 15 से 20 मिनट लगते हैं, और एक कृष्ण भक्त को तैयार होने में ज़्यादा देर नहीं लगता, थोड़ी सी देर में चुटकी बजाते वो लोग तैयार हो सकते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको फिर से कैसे, तो ये 1 2 3 हरी बोल। तो देखा आप सबने किस तरीके से मैंने 1 सेकंड में कपड़े पहन लिए, और ये देखिए आज की दिन की तरह सबसे बेहतरीन लग रहा है। तो चलिए अब टीका लगाना रह रहा है, तो टीका मैं सोच रहा हूँ मंदिर जाकर के लगाऊंगा, क्योंकि मैं वहाँ तक जाके मुझे फिर से लगाना पड़ता है, और यहाँ से लगा के जाऊँगा ना पसीने में बह जाऊँगा मैं, तो इसलिए वहाँ चल के टीका लगाएंगे, अपना वेट बैग ले लेते हैं और चलते हैं। चलिए विराजमान है चरण नर रसाला राधे श्याम 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 राधे व्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्याम श्याम। आरती का मैंने आपको ग्लिम्स वगैरह जो थी वो दिखा दिया, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा पंडाल वगैरह का थोड़ा देर ना हो जाए, मैं यहाँ पे बिजी हूँ थोड़ा, तो अब जो है मेरा
जो व्लॉग है वो आगे कंटिन्यू करेगी मेरी प्यारी बहनी, और मेरा भाई जो है वो करेगा। अब आगे आप लोग उसकी आवाज़ सुनना और मस्त व्लॉग देखना, पंडाल देखना, सब कुछ देखना, ठीक है? तो मिलता हूँ मैं आपको आगे, तब तक आप देखो अच्छे से पंडाल और सब कुछ बढ़िया से ग्लिम्स देखना। सुंदर आगे हम पंडाल में, देखिए कितना प्यारा सजा है। वो रहा स्टेज, वहाँ पे अभिषेक होगा, तैयारियाँ स्टार्ट हो गई हैं। और यहाँ पे अलग अलग सुदामा सेवा हो रहा है, यहाँ गिफ्ट शॉप है, वहाँ पे खाने पीने का मिलता है। महामंत्र कि शायद कोई गेम हो रहा है इधर। अभिषेक स्टार्ट होने वाला है, चलिए वहाँ चलते हैं स्टेज की तरफ। अमोघ लीला प्रभु जी भी आए हैं, ये स्क्रीन में दिख रहा होगा, जैसे आइए स्टेज की तरफ चलते हैं। और बाकी भक्तों से काइंडली वेव देयर हैंड्स, एक बार उठ करके जस्ट टर्न अराउंड एंड देन जस्ट से हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ देम। सो हियर इज हरे कृष्णा फ्रॉम गौर मणि माता जी, हरे कृष्णा, एंड रेस्ट ऑफ द ग्रुप एज वेल, जो माता जी अदर माता जी में काइंडली आल्सो गेट अप एंड जस्ट टर्न अराउंड एंड से यस हरि बोल। हैप्पी राधाष्टमी टू ऑल ऑफ यू। East or West, Srimati Radharani is the best. Thank you, thank you, thank you. Everyone, please sit down. Thank you. Okay, now, अभी गोपाल फन स्कूल एक बार फिर से आपके सामने एक बहुत ही मैंने रट न लगाई रे, मैंने रट न लगाई रे, राधा तोरे नाम की, राधाष्टमी है बर्थडे किसी और का, सेलिब्रेशन किसी और का, फिर अमित किस किस को ये डाउट है? यहां किस किस ने सोचा नहीं था लेकिन मैं डाउट डाल दिया, इधर ही तो हमें सोचा नहीं था रे। वेल, यहां पर हमारे रुक्मिणी द्वारकाधीश असल में राधा और कृष्ण ही हैं, ठीक है जी? देखिए जो ऐसे खड़े होते हैं ना, ये वृंदावन के कृष्ण ऐसे खड़े होते हैं, क्योंकि द्वारका के कृष्ण तो हस्बैंड है, हस्बैंड सीधा खड़ा होता है ना, हस्बैंड को टेढ़ा मेढ़ा अगर देख लिया ना पत्नी ने सीधा कर देगी उसको, राइट? तो इसलिए हस्बैंड तो सीधा ही खड़ा होता है, तो द्वारकाधीश ऐसे खड़े होंगे, ऐसे खड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसे तो वृंदावन के कृष्ण ही खड़े होते हैं। अच्छा, वृंदावन के कृष्ण है तो बगल में कौन होगा, रुक्मिणी जी या राधा जी? हाँ जी, तो हमारे बीच में राधा और कृष्ण ही है, लेकिन नाम है रुक्मिणी द्वारकाधीश, क्योंकि हम किस जगह रहते हैं, जगह का नाम क्या है? द्वारका। द्वारका, आप लोग कौन है? द्वारका वासी। तो हमारे प्रभु कौन हुए? द्वारकाधीश। तो इसलिए हमने उनका नाम रखा है रुक्मिणी द्वारकाधीश, पर है असल में ये राधा और कृष्ण। लेकिन एक डबल कृपा बोनांजा है हमारे मंदिर के साथ, और ये है कि हमारे यहाँ पर राधा अष्टमी भी मनाई जाती है और रुक्मिणी द्वादशी भी मनाई जाती है, तो हमारे यहाँ पर दो दो कृपा मिलती है हमें, रुक्मिणी जी की भी और श्रीमती राधा रानी की भी। राधा अष्टमी पे हमको मिलती है राधा रानी की कृपा, और रुक्मिणी द्वादशी पे मिलती है हमें रुक्मिणी मैया की कृपा। सो वी हैव डबल कृपा बोनांजा इन इस्कॉन द्वारका। तो आज हम कृपा लेने वाले हैं आदि शक्ति श्रीमती राधा रानी की ऑन दिस ओकेजन ऑफ राधा अष्टमी। बोला श्रीमती राधा रानी इज द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी इन एंटायर क्रिएशन,
She is the higher self of Krishna. She is the better half of Krishna. जैसे wife को बोलते हैं, she is the better half. Husband is the better half. Wife is better half. और जब दोनों के बीच में भगवान नहीं होते, then they become bitter half for each other. तो इसीलिए husband wife should not be bitter half. They should be better half and better half. लेकिन better half ये concept पता कहाँ से आया? ये better half का concept आया from श्रीमती राधा रानी. और आप देखिए भगवान के जितने भी डीटीज हैं, उनमें भगवान कृष्ण के नाम चेंज होते हैं. राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा दामोदर. लेकिन राधा जी का नाम हमेशा सेम रहता है. ऐसा क्यों? कृष्ण का नाम चेंज हो रहा है क्योंकि ये नाम श्रीमती राधा रानी का सबसे फेवरेट नाम है. क्योंकि इस नाम के अंदर है आराधना. भगवान श्री कृष्ण को लेकर आराधना, इसीलिए आराधना से भरा है राधा रानी का नाम. इसीलिए राधा रानी ने बोला ये नाम कभी चेंज नहीं होगा. बाकी नाम है तो है, कृष्ण अपने नाम बदले, मदन मोहन, गोपीनाथ, गोविंद, डन. बट लेकिन जो श्रीमती राधा रानी का नाम है, इट रिमेन सेम. हालांकि उनके नाम और भी है, विद्यार्थिनी भी है, साथ में गंधर्वी का भी है, गंधर्वी का गिरिधारी, सुंदर स्वेदना, वेरियस नेम्स. बट यस, श्रीमती राधा रानी का नाम राधा नाम, मोस्ट पावरफुल. So, परम प्रभु का, गौरवणी माता जी का और जितने बाकी डिवोटीज आए हैं, ऑल द डिवोटीज हु हैव कम इन ब्रज वधूज, वी वेरी हार्टिली वेलकम देम टुडे ऑन द ओकेशन ऑफ श्री श्री राधा अष्टमी. सो लेट्स वेलकम वंस अगेन द ब्रज वधूज लेड बाय परम प्रभु एंड गौरवणी माता जी. लेट्स वेलकम देम बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ब्रजवधूस की जय. तो आप यहाँ देख पाएंगे, यहाँ से हरिनाम संकीर्तन का नेक्टर और यहाँ पर रुक्मणी द्वारकाधीश के अभिषेक का नेक्टर. अब आपके ऊपर है कि आप कितना नेक्टर संभाल पाते हैं, कितना अमृत संभाल पाते हैं. Thank you.
भाई जितनी भी आपने फुटेजेस देखी वो सब शूट किया है हमारी माता जी ने, और गौर मनी माता जी यहाँ पे आई थी, उन्होंने बहुत मस्त कॉन्सर्ट किया है इधर पे, और मैंने पर्सनली तो नहीं देख पाया, मैं वीडियो में एडिटिंग के टाइम देख रहा हूँ इसको, और जितने भी ये फुटेजेस शूट हुए हैं वो सब जाता है मेरी बहन को, उसका श्रेय क्रेडिट दे रहा हूँ उसको। तो आई होप सबको अच्छा पसंद आया होगा, अभी और छोटे से ग्लिम्स थोड़े से दिखा दूंगा अभी आपको मैं, तो वो देखना। गौर मनी माता जी से मिलने के लिए जो स्टेज पे गाना गा रही थी, अभी जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, वो प्रसाद पा रही हैं अंदर सेमिनार हॉल में, निकल जाएंगे बाहर तो हम उनके साथ फोटो खिंचवा लेंगे थोड़ी सी, तो देखते रहना। हरी बोल। माता जी और हम उम्मीद प्रभु जी ने फोटो खिंचवा दी मैंने अपनी बहन की और अपनी भी, और अब हम लोग इस कौन से जा रहे हैं भाई, 10 बजे सुबह का टाइम हो गया, प्रसाद बहुत अच्छा था, आज का दिन बहुत अच्छा बीता राधाष्टमी का, और अभी देखो पूरा ये बंद हो चुका है हर तरफ से, अब आएंगे फिर किसी अवसर पे, और मिलते हैं आगे किसी वीडियो में दोस्तों। आगे भी मैं आपको ऐसी ना कोई हैपनिंग जो वीडियोस होंगी वो जरूर दिखाता रहूँगा, और जो ऐसी हैपनिंग सी वीडियोस रहेंगी, तब तक के लिए भाई लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, और मिलते हैं आगे की इसी वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए हरे कृष्णा।